हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार में शालिनी में। आप लोगों ने डेमो के लिए अपने अपने टॉपिक प्रिपेयर कर लिए होंगे, लेकिन वहाँ पे जरूरी नहीं है ना कि जो हम लोग टॉपिक प्रिपेयर करके गए हैं वही पूछें। कुछ फेमस टॉपिक होती है जो इंटरव्यूअर्स हमसे बोल देते हैं कि आप इस टॉपिक को बताइए, एक्सप्लेन करिए। तो अगर उस टॉपिक के बारे में हमें पता ही नहीं लगा तो हम लोग बोलेंगे सर हम लोग ये टॉपिक को प्रिपेयर करके नहीं आए हैं। वैसे ऑब्वियस ही बात है, हम लोगों ने या फिर आप लोगों ने क्या किया है, अपने लिए 3-4 टॉपिक तो प्रिपेयर हर एक सब्जेक्ट से कर ही लिया होगा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि एकदम फेमस टॉपिक है इंटरव्यूअर्स के लिए। वो आपसे पूछते हैं कि आप इस टॉपिक पे डेमो दीजिए, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल डेमो के जो सीरीज थे वो आते थे और बच्चे लोग जाके अपना डेमो देते भी थे, लेकिन उसमें देखा गया है कि बहुत ढेर सारी ऐसी टॉपिक हैं जो कि फेमस टॉपिक्स हैं, वो हर इंटरव्यू सेंटेंस में पूछी गई हैं, एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो उसी में से एक टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है, जिसका नाम है नो प्लेस फॉर अस। EVS क्लास 5th का टॉपिक है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इस टॉपिक का नेम है नो प्लेस फॉर अस। यानी जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग के लिए घर है ना, हम लोग अच्छे से रहते हैं, लेकिन इस चैप्टर में ये बताया गया है कि लोग काम करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और उन लोगों के पास इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने लिए कोई प्लेस नहीं रहता। तो इस चीज़ को आप क्लास 5th के बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे स्टोरी के थ्रू उनको बताएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक है। आप लोग समझ सकते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक है जो आपसे एक्सप्लेन करने के लिए, डेमो देने के लिए कहा जा सकता है। तो इस आप लोग डेमो कैसे देंगे, वही डेमो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं। तो चलिए फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन, ऑल गुड? आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास? एक्साइटेड? ओह, वेरी मच एक्साइटेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल मी द डेट। ओके, सो व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 12th जून 2023। ओके, 12th June 2023, okay? And which subject we have to study? We have to study our favorite subject, that is EVS, okay? EVS. तो मैं आज आप लोगों को एक बात बताती हूँ। आप लोग देखे होंगे, बहुत से बच्चों को देखे होंगे कि जो कि स्कूल नहीं जाते हैं, है ना। देखे आप लोग छोटी छोटी दुकान पे काम करते हैं, छोटी छोटी शॉप्स पे काम करते हैं ना। देखे आप लोग, कौन कौन देखा है, रेज योर हैंड। आप सभी ने देखा है लगभग। तो क्या आप लोगों ने सोचा है कि वो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, क्या उनको काम करने की क्या जरूरत पड़ी? या फिर आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग होते हैं जो अपने शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर चले जाते हैं, है ना। क्या करने जाते हैं, कोई इमेजिन कर सकता है क्या करने जाते होंगे अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर? टू अर्न मनी, है ना, पैसा कमाने के लिए जाते हैं। क्यों, अब पैसे की क्या जरूरत? ताकि वो अच्छे से खा सकें, पहन सकें, है ना, अच्छे से रह सकें, है ना, जानते हैं आप सभी लोग। तो उसी की स्टोरी आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। और आप लोग देखे होंगे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि जगह जगह पे रहेंगे लेकिन उनके पास कुछ भी अपना फिक्स्ड नहीं रहता है। जैसे कि आप लोग कभी देखे होंगे कि जो जंगलवासी लोग रहते हैं वो इस जंगल से उस जंगल बार बार भटकते रहते हैं। तो अगर आपके पास कोई प्लेस ना रहे तो फिर आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? आप बोलोगे नो प्लेस फॉर अस, है ना। क्या बोलेंगे हम लोग? नो प्लेस फॉर अस। तो आज मैं आपको यही टॉपिक पढ़ा देती हूँ, नो प्लेस फॉर अस। ओके, नो प्लेस फॉर अस। इसमें मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। किसकी कहानी? जतरा भाई की। किसकी सुनाऊंगी कहानी? जतरा भाई की। और किसकी? सिद्ध्या की, ठीक है, जतरा भाई की और किसकी? सिद्ध्या की। इसमें निम्बी का भी नाम एक बार आएगा, ठीक है। किसका नाम आएगा? निम्बी का नाम आएगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप लोगों को इसके कैरेक्टर याद रहें, याद रहेंगे ना सबको। तो हम लोग किसकी कहानी पढ़ेंगे? जतरा भाई की। जतरा भाई के बारे में, अब जतरा भाई क्या के रहते हैं, ये गए रहते हैं मुंबई। मुंबई जैसे बड़े शहर में अगर कोई जा रहा है ना, पुअर पर्सन जा रहा है, तो उसको रहने के लिए तो बहुत से काम करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग तो पानी तो ऐसे ही पी लेते हैं ना, कुछ भी पानी के लिए हम लोग को पे नहीं करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो लोग पानी वेस्ट करते, जो कि बहुत ज्यादा गंदी बात है। पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। एक एक बूंद इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों ने अपने क्लास में पढ़ा हुआ है ना कि वाटर इज वेरी मच प्रीसियस फॉर अवर लाइफ, है ना, सबकी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वाटर को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जतरा भाई जब मुंबई जाते हैं तो वहां पे उनको हर एक चीज के लिए पे करना पड़ता है। जो वो रहते हैं वहां का भी पे उनको करना है, जो वो खाते हैं उसका भी पे उनको करना है, पानी पीते हैं उसका भी पे उनको करना है ना। तो
तो अब क्योंकि वो क्या करते थे, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने लाइवलीहुड को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करते थे, जो फिश पकड़ने वाली नेट होती है वो क्या करते रहते हैं कि उसको सिल सिल के अपना काम चलाते रहते हैं, ठीक है। और ये सिद्ध्या कौन है, सिद्ध्या इनका सन है। कौन है, इनका सन है, बेटा है, ठीक है। तो एक बार जत्रा भाई सिद्ध्या का इंतजार करते रहते हैं, शाम के 7 बज जाते हैं लेकिन सिद्ध्या घर नहीं आता है। अब सिद्ध्या अपने पिताजी का हाथ बटाने के लिए कि घर के कामों को और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि पढ़ना भी है, खाना भी है, पानी भी पीना है, रहना भी है, कपड़े भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, हर एक चीज़ है। तो उस जो कप सिलते थे जत्रा भाई, सिर्फ नेट को सिल के तो उतना ज़्यादा उनको मनी अर्न होता नहीं था, नहीं होता रहा होगा ना, आप लोग पता लगा सकते हो कि होता रहा होगा, नहीं होता था, क्योंकि सिल के कोई कितना पाएगा मनी, है ना। तो ये जो सिद्ध्या रहता है ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, ठीक है। ये 4 बजे उठता है, मॉर्निंग 4 o'clock, ओके। अब ये जब 4 बजे उठता है तो 4 बजे से लेके 7 बजे तक काम करता है। पता है क्या काम करता होगा, ये सुबह उठता है, ठीक है, जो बगल वाली फैक्ट्री रहती है फिश फैक्ट्री, उसमें ये जाके काम करता है। और क्या काम करता है, ये पहले मछलियों को साफ करता है, ठीक है। साफ करने के बाद जो छोटी बड़ी मछलियां रहती हैं उनको अलग करता है, ठीक है। ये सब कुछ काम ये करता है सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक। फिर जब ये सब कुछ काम करके ये घर आता है तो क्या करता है, थोड़ा सा सो जाता है। फिर जब दोपहर का टाइम होता है तब ये अपने स्कूल जाता है, ठीक है, स्कूल जाता है। उसके बाद शाम को ये क्या करता है, अपनी मनी अर्निंग को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, ये स्टेशन्स पे जाता है, जो वाटर बॉटल्स होती हैं और भी जो ढेर सारी चीज़ें होती हैं उनको ये क्या करता है, इकट्ठा करता है, ताकि ये जब बेच सके। आप लोग सुने होंगे ना कबाड़ी वाला, ठीक है, तो आपकी बुक में ये लाइन लिखा हुआ, ये शब्द एग्जैक्ट लिखा हुआ है कबाड़ी वाला, आप सभी लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं ना। तो वो क्या करता है, सारे बॉटल्स को ले जाके बेचता है ताकि उसको कुछ पैसे। तो ये क्या करता है, सब्जी मंडी में भी जाता है, वहां पे लोगों के बैग्स को कैरी करता है, पहुंचाता है ताकि इसको कुछ पैसे मिल सके, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद अब देखो, कोई दूसरे शहर में जा रहा तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, और अगर कोई पढ़ा लिखा ना रहे तब तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोगों के लिए मैं ये बातें क्यों बता रही हूँ, ये बातें मैं आप लोगों के लिए इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सको, है ना, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सको, ताकि आप लोगों को इतनी परेशानियां ना झेलना पड़े, है ना। और जब इतना सब कुछ काम करके लोग शाम को इकट्ठा होते थे तो दिन भर की पूरी बात, इन लोगों को ओल्ड मेमोरीज याद आती थी, अपने गांव की बातें, कि अरे यार हम लोग अपने गांव में कैसे रहते थे, अब देखो मुंबई में आके कैसे रहने लगे, कितना काम करना पड़ रहा है, क्या कुछ करना पड़ रहा है खाने के लिए और मेडिसिन के लिए, ठीक है। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि जत्रा भाई को अपने गाँव से यहाँ आने में क्या, क्यों उनको जरूरत पड़ी होगी, कौन बताना चाहेगा? यस, आप बता रहे हैं, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। इन्होंने बताया है कि जत्रा भाई अपने गांव से मुंबई इसलिए जाता है क्योंकि उसकी अर्निंग यहाँ पे अच्छी नहीं हो पा रही थी। अब जब वो मुंबई जाता है वहां पे कुछ अर्न करता है, क्योंकि उसके पास तो पर्टिकुलर प्लेस भी नहीं है ना, है नहीं ना उसके पास, वो फिशरमैन का काम करने लगता है वहां पे, फिशिंग नेट को स्विमिंग करने लगता है, सिलने लगता है। तो वही तो टॉपिक है हम लोगों का, नो प्लेस फॉर अस। जब हम लोग के पास कोई प्लेस ही नहीं रहेगा तभी तो हम लोग इधर उधर इधर उधर भटकते रहेंगे, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी स्टोरी पता है या कोई भी बातें पता है तो आप लोग उस पर शॉर्ट नोट लिख के ले आओगे, ओके। यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, सो यू हैव टू राइट द 5 lines ऑफ नो प्लेस फॉर अस, ओके। सभी लोग लिख लेंगे और इस चैप्टर को आप लोग फिर से रीड करेंगे, आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहेगा नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछेंगे, ओके, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। टॉपिक आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा कि इसमें क्या कहानी चल रही है, तो आप लोग को पता है कि जो हम लोग की चीज़ें हैं, जो KBS की जो चीज़ें, जो बुक्स हैं NCERT की, उसमें कहानी के माध्यम से हर एक चीज़ को बताया गया है और यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है कि अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए इंटरव्यूअर्स आपको देखेंगे कि आप लोग किस माध्यम से, किस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप लोग ये टॉपिक जरूर प्रिपेयर करिएगा और अगर आप लोग चाहें तो इससे भी बेटर तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मेरा तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।